जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा कश्मीरी शरणार्थी कर्मचारियों के वेतन बंद करने के बयान पर शनिवार को प्रतिक्रिया दी। कहा कि ये बहुत गलत है कि कश्मीरी शरणार्थी पिछले 7 या 6 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी पीड़ा को हल करने के बजाय उनके मसलों को बढ़ाया जा रहा है। कहा कि कश्मीरी पंडितों की समस्या का समाधान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को करना चाहिए। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा था कि कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की तमाम दिक्कतों को दूर करने के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई घर बैठे वेतन और अन्य सुविधाएं देगा। पुलिस ने सेना के साथ शनिवार को उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिला के उड़ी के हथलंगा सेक्टर में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। एक संयुक्त अभियान में बारामूला पुलिस ने सेना के साथ इस अभियान में AK-74U, 24 AK मैगजीन, 12 चाइनीज पिस्टल, 24 पिस्टल मैगजीन, 9 चाइनीज ग्रेनेड, 5 पाक ग्रेनेड, 5 गेहूं के बैग, 81 पाक गुब्बारे, 560 राउंड AK राइफल्स और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया। इस संबंध में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। डीसी रामबन मुसरत इस्लाम ने शनिवार को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन का औचक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की समीक्षा की, तो वहीं अस्पताल में साफ सफाई और साफ सफाई रखने के निर्देश भी जारी किए। इस दौरान कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए डीसी मुसरत इस्लाम ने कहा कि कोविड के सभी SOPs को बरता जाए। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की जम्मू इकाई की तरफ से शनिवार को प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल वानी ने कहा कि जब मनमोहन सिंह PM थे तो उन्होंने तब PM पैकेज की अनाउंसमेंट की थी और कश्मीरी पंडित की वापसी का पहला कदम उठाया था। इसके साथ ही कहा कि हमारी जब NC के साथ कोलिशन सरकार थी तो शेड्यूल कास्ट तबके को स्टेटस दिया गया और उन्हें भी कश्मीर में नौकरियां दी गई, परंतु अब अगर बात की जाए तो घाटी में हालात बिल्कुल अप्रिय हैं। घाटी में टारगेट किलिंग का दौर शुरू हुआ है और इस वजह से ये सभी लोग सड़कों पर उतर आए हैं और अपनी सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। लगातार भाजपा हम पर निशाना साधती रही है, परंतु अब ये सवाल है कि पिछले 8 सालों से उनकी हुकूमत है तो फिर क्यों नहीं कश्मीरी पंडितों के इशू रिजॉल्व हो रहे। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में लगातार उठक पटक जारी है। शनिवार को एक तरफ पार्टी से बर्खास्त नेताओं ने प्रेस वार्ता की तो वहीं उसके जवाब देते हुए DAP के जनरल सेक्रेटरी RS चिप की तरफ से भी प्रेस वार्ता की गई और कहा गया कि पार्टी के कुछ नेता कांग्रेस के इशारों पर काम कर रहे थे, इसीलिए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। साथ ही जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि वो लोग थे जो लगातार कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे और उन्होंने ही आजाद साहब को मजबूर किया कि एक नई पार्टी का गठन किया जाए। सोपोर पुलिस ने SSP सोपोर, ADC सोपोर की उपस्थिति में शनिवार को खुशहाल स्टेडियम सोपोर में शहीद सुल्तान मेमोरियल फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस मौके पर SSP सोपोर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारा मकसद है कि हम युवाओं को सही रास्ते पर लाएं और वो खुद को भी नशे या अन्य सामाजिक कुरीतियों से दूर रखें। साथ ही कहा कि पुलिस लगातार नशे को जड़ से समाप्त करने के लिए अभियान छेड़े हुए है। मुख्य कृषि अधिकारी अनंतनाग एजाज अहमद ने शनिवार को वेरीनाग का दौरा किया और वेरीनाग में सीट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के लिए 50 कनाल भूमि की पहचान की। CEO ने अधिकारियों और कृषि कर्मचारियों से बातचीत के दौरान कहा कि विभाग सभी बीज मल्टीप्लिकेशन फॉर्मों को आधुनिक वैज्ञानिक आधार पर अपग्रेड करने की योजना पर काम कर रहा है। इस दौरान मुख्य कृषि अधिकारी ने कहा कि विभाग उच्च गुणवत्ता की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और इस अवसर पर जिला कृषि अधिकारी अनंतनाग, अध्यक्ष MC देवरू अनंतनाग और अन्य अधिकारी भी मौजूद नजर आए। वी वॉन्ट जस्टिस, आवाज तो हम एक हैं के नारों के साथ एक बार फिर शनिवार को आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर की तरफ से नई HR पॉलिसी के खिलाफ श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में प्रदर्शन किया गया। इनका साफ कहना था कि प्रशासन हमारे साथ अन्याय कर रहा है और हम इसे चुपचाप नहीं सहने वाले। साथ ही कहा कि हम वो लोग हैं जो हर मोर्चे पर आगे बढ़कर काम करते हैं और हमें इस तरीके से दरकरार करना गलत है। जम्मू कश्मीर सिख समन्वय समिति के अध्यक्ष सरदार अजीत सिंह द्वारा शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रेस वार्ता का मकसद सभी संगत को आने वाले समागम के बारे में सूचित करना है।
कहा कि आने वाले सोमवार यानी कि 26 दिसंबर को विशेष गुरुमत समागम गुरु शहीदी दिवस मनाया जाएगा और इस संबंध में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही कहा कि इस घटना के संबंध में हर चीज पर प्रकाश डाला जाएगा और गहन चर्चा भी की जाएगी।